नमस्कार जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आवास बोर्ड का घोटाला, इसकी छठी फेहरिस्त आज आप देखने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 6 दिन हो गए, हम 6 दिन से लगातार घोटालों की पोल खोलते जा रहे हैं। एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घोटाले। आवास बोर्ड न हो गया, घोटालों का घर हो गया। इसके बावजूद आप सोचिए कि इस घोटालों की फेहरिस्त खत्म नहीं हो रही है, तो ये कितना बड़ा नेक्सस है, ये कितना बड़ा सिंडिकेट है और कितना मजबूत नेक्सस है, कितना मजबूत सिंडिकेट है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप सोचिए कि हर रोज एक एक घंटे तक हम रोज नए खुलासे कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आवास बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया गया है। पर सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ चलता है, क्या किसी को कोई जानकारी नहीं होती? क्या ऊपर बैठे लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है? आज भी इस घोटाले की छठी फेहरिस्त हम आपको दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो आवास बोर्ड के घोटालों के मास्टरमाइंड, या यूं कहें कि घोटालों के किंग पिन, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार हैं। अब तक इस मामले में हमने आरोप संजीव कुमार, पूर्व एमडी बृजमोहन और कई ठेकेदारों पर लगाए, मसलन कृपा शंकर सिंह पर। मजाल है कि इनमें से कोई ये तक कह दे कि ना, आपने जो आरोप लगाए हैं वो सब गलत हैं, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि आप जो बातें दिखा रहे हैं वो तमाम बातें गलत है, हमने तो गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर लिया है। उल्टा हमें इन तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए तरह तरह की जहमत करनी पड़ रही है कि भाई इनका पक्ष मिल जाए किसी तरीके से। आज हम कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार के आवास पहुंचे। अब वहां पर क्या नजर आया आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आवास बोर्ड के हर खेल और सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार। हमने आपको दिखाया कैसे आवास बोर्ड में हर घोटाला कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार की देखरेख में हुआ, कैसे कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार की कठपुतली बने रहे एमडी बृजमोहन, कैसे संजीव कुमार अपना एक सिंडिकेट चलाते हैं आवास बोर्ड में, रांची से लेकर जमशेदपुर तक कैसे कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाएंगे। अब जब इतना सब कुछ हमने दिखाया, नगर विकास विभाग की जांच में भी सारा खेल सामने आया, तो हम पहुंचे कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार के आवास और वहां जो दिखा आपको भी दिखाते हैं। हैं सर, हैं। हेलो, ये है बोर्ड की संजीव कुमार का आवास। अभी जैसे ही हम लोगों ने कॉल बेल दबाया तो किसी ने आवाज खोला था, लेकिन संजीव कुमार सामने बैठे थे, बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया और अचानक से आवाज का दरवाजा बंद कर दिया। हमने उनका पक्ष लेना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए, वो तैयार नहीं है। हम चाहेगा न्यूज 11 की वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और बोर्ड का अपना सारा पक्ष रखे। तो आखिर क्यों न्यूज 11 भारत से बात करने से संजीव कुमार को आपत्ति? अगर संजीव कुमार ईमानदार हैं, तो फिर अब तक चुप क्यों हैं? सवाल तो ये भी है कि अब तक संजीव कुमार पर कार्रवाई हुई कैसे नहीं? रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। तो आखिर संजीव कुमार को आपत्ति क्या है बातचीत करने में? अपना पक्ष वो रख देते कि भाई आपने जो दिखाया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, हमारे नजर में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ भी है तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, बस इतना ही तो कहना था। और कहना क्या था? अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आपको मीडिया के सामने आने से आपत्ति क्या है? और आपको ही क्यों, बृजमोहन साहब आपको भी आपत्ति क्या है? आखिर आप कहां छुपे बैठे हैं और कहां छिपे बैठे हैं कृपा शंकर जी, कहां छिपे बैठे हैं जगत जी, कहां छिपे बैठे हैं धनंजय जी, आप तमाम लोग आखिर कहां छिपे बैठे हैं? बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। रांची से लेकर जमशेदपुर सरायकेला तक हम तमाम घोटाले आपके सामने खोलेंगे। आज हम आपको एक अनोखा घर दिखाने जा रहे हैं।
आप सोच रहे होंगे कि अनोखा क्यों, तो बता देते हैं कि इस घर में इजाजत थी कि ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन और तल्ले बनाए जाएं, पर इस सरकारी प्रोजेक्ट में एक चौथा तल्ला भी बना, पर यह चौथा तल्ला ठेकेदार का है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठेकेदार कौन? ठेकेदार कृपा शंकर सिंह। तो बजाइए ताली और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड के कैसे फ्लैट के पास, जो अपने आप में अनोखा है, ये फ्लैट आवास बोर्ड द्वारा बनवाया गया है, इसका टेंडर G3 हुआ है। ये तीन मंजिला मकान सरकार ने पास किया है, इसके ऊपर जो चौथा मंजिल बना है ये ठेकेदार और संजीव कुमार बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने मिलकर वो तैयार करवा है योजनाबद्ध तरीके से। मैं आपको पूरे फ्लैट के अंदर में जा रहा हूं। ये जो फ्लैट है कृपा शंकर ने बनवाया है, चौथा मंजिला, देखिए चौथा मंजिला आप देख सकते हैं। अभी इस फ्लैट में काम चल ही रहा है, हम बात करेंगे सर इस फ्लैट में। इसे हाउसिंग बोर्ड ने तीन मंजिला मकाने का बनाने का ठेका पास किया है। यह ठेका साईं कृपा को दिया गया है 1,48,00,000 रुपए में। ये तीन मंजिला फ्लैट बनना है, जिसमें कुल 6 फ्लैट बनने थे, मगर कृपा शंकर और संजीव कुमार ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से तीन मंजिला बनाने के बजाय इस पे चौथा मंजिला अतिरिक्त बनवा दिया है। इसकी पकड़ तब हुई जब पूरे फ्लैट का टेंडर हुआ, मात्र 6 ही फ्लैट का टेंडर निकाला गया, लॉटरी किया गया, 7वें का पता ही नहीं चला। जब तत्कालीन सचिव ने इसकी जांच की तो पता चला कि 1 फ्लैट इसे अतिरिक्त बनाया गया अवैध ढंग से। अब मैं आपको एक और वानगी बता रहा हूं, अभी काम चल ही रहा है फ्लैट में, अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है। आइए ये देखिए, फ्लैट के पीछे का भूखंड है जिस पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, चार दीवारी बनाकर अवैध तरीके से। इसे भी तत्कालीन सचिव ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा और इसके विरुद्ध भी शिकायत नगर विकास विभाग को की। ये देखिए, ये लगभग 2000 स्क्वायर फीट की जमीन है जिस पर योजनाबद्ध तरीके से सिंडिकेट के ठेकेदार कृपा शंकर कब्जा कर रहे थे। ये पीछे से इस मकान को देखिए, जो अवैध मकान बना है उसके ऊपर जो सिस्टम है सीवरेज ड्रेनेज का, वो तीन मंजिले तक ही है, चौथा मंजिला में वो अलग से व्यवस्था किया गया है। ठेकेदार ने वो पूरा मंजिल ही अपना अतिरिक्त बनवाया है। हम इस फ्लैट के ऊपर भी जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम इस फ्लैट के पास हैं, अभी काम चल रहा है, देखते हैं कि इस फ्लैट में कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। आप कौन है सर? हम तो इसी लेबर में हैं। लेबर में है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज कुमार। मनोज कुमार, ये कितना मंजिला मकान बन रहा है फ्लैट? ये तो नहीं बता पाए सर, नया है। नया है तो मंजिल गिन सकते हैं ना, कितना मंजिल आप बताइए गिन के। बन रहा है ये सर नहीं बता। ये कितना तल्ला मकान है? ये तल्ला तो मैं वैसे ही कलर को तो सामने देखिए, देखिए तो आइए कितने तल्ले का है। हाँ हाँ, ये तो G+4 दिख रहा है, G+4 है ना, है ठेका की एक किसका मकान बन रहा, हाउसिंग बोर्ड का? ये तो कहाँ बन रहा है सर, हम तो नया आए हैं। आप किसके अंडर में काम करते हैं? हम तो ये हैं प्लंबर के। किसने काम दिया आपको? काम दिया हम तो उनके साथ हैं, मैंने प्लंबर को जो काम करने आए हैं ना। तो अभी ठेकेदार आपका कौन है? आपका ठेकेदार कौन है, प्लंबर कौन है? वो ठेकेदार हैं, आप मैंने खड़े होकर बता दो फंस जाओगे। कौन? नहीं नहीं फंसे, हम काल फंस जाएंगे सर, हमको फंस करके क्या करेंगे। कौन है ठेकेदार, कौन है? काम नहीं है सर, लेबर है तो लेबर मान लेते हैं। लेबर तुमको यहां कौन रखा? ये फ्लैट किसका बन रहा है? अभी हम नहीं बता पाएंगे सर, नया हम आदमी हैं, उनके साथ हैं। इसमें लिफ्ट है मकान में? क्या लिफ्ट है? हाँ, आइए हम आपको फ्लैट के ऊपर ले जाते हैं, चौथी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर ले जाते हैं। आइए, अभी काम चल ही रहा है इस फ्लैट में, अभी पूरी तरीके से देखिए, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अभी काम चल रहा है, लिफ्ट भी अभी नहीं लगा है। ये उच्च आय वर्गीय मकान है, इसमें हॉल,
एक बेडरूम, बाथरूम, बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है, इसमें तीन बेडरूम, हॉल, अभी काम चल ही रहा है इस फ्लैट में। हम चलते हैं उस फ्लोर पर जो अवैध बना है। आइए, हम आगे दूसरे तल्ले पर, सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है। इसमें लगभग फर्निश का काम लगभग पूरा हो गया है। ये लगता है किसी को लॉटरी के तहत आवास मिला है, क्योंकि सीलिंग विलिंग का काम अतिरिक्त कराया गया है। ये सेकंड फ्लोर पर मकान है, इसमें भी वही बेडरूम, मास्टर बेडरूम, एक बेडरूम, कॉमन बाथरूम। अब हम चलेंगे तीसरे मंजिल पर। अभी तीसरे मंजिल का भी काम पूरा नहीं हुआ है, निर्माण कार्य चल ही रहा है। हर फ्लोर पे आप देखेंगे अलग अलग टाइल्स लगे हुए, हर फ्लोर पर, हर फ्लोर पर। ये हम तीसरे मंजिल पर थे। ये चौथा मंजिल, तीसरे मंजिल पे अब हम बढ़ रहे हैं, जो सिंडिकेट के ए संजीव कुमार और कृपा शंकर ने अवैध तरीके से बनाया। ये छत है, छत के ऊपर हैं हम। घर है ये, ये स्टोर रूम है, अभी काम चल ही रहा है ये सीमेंट बालू का पूरी तरीके से। ये हो गया छत। इसके नीचे जो फ्लोर है वो चौथा फ्लोर है, वो है अवैध, जिसका टेंडर नहीं हुआ है। सिंडिकेट के ही संजीव कुमार और कृपा शंकर ने मिलकर पूरे योजनाबद्ध तरीके से फ्लोर को तैयार किया है। आइए, जिसका लॉटरी में जानकारी तक नहीं दिया गया। देखिए, इसमें अतिरिक्त काम चल रहा है, पैनल डोर लगा हुआ है। हम चौथे मंजिल पर हैं। चौथे मंजिल पर हम हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं तीन ही मंजिल का, चार मंजिल का जो फ्लैट है ये पूरी तरीके से अवैध है, ये पूरी तरीके से अवैध है। इसका भुगतान ठेकेदार को बोर्ड कैसे करेगा ये तो बोर्ड ही जाने, लेकिन तत्कालीन सचिव ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये योजनाबद्ध तरीके से बनाकर पैसे कमाने की व्यवस्था की गई। कराने वाले लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने नहीं बताया कि ये फ्लैट किनके द्वारा बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है। ये उच्च स्तरीय आय फ्लैट है जो बोर्ड के द्वारा लगभग 1,48,00,000 रुपए में तैयार करवाया जा रहा है। इसकी असल कीमत 1,33,00,000 रुपये है, लेकिन टेबल टेंडर कर इस फ्लैट की कीमत 10% बढ़ा दी गई। रिंग मास्टर संजीव कुमार और कृपा शंकर ने इस फ्लैट की कीमत 10% बढ़ा दी। जो 1,33 में बनना था वो अब 1,48 में बन रहा है। ये जो अतिरिक्त खर्च है जो बोर्ड ने किया है, इसकी भरपाई अब आम जनता करेगी। इस खर्च का, जो भी अतिरिक्त खर्च हो रहा है, इसकी भरपाई अब आम जनता करेगी। लॉटरी के सिस्टम से बोर्ड उन्हें मकान देगा और बढ़े हुए रेट भी वसूलेगा, जिसको
बोर्ड के सिंडिकेट ने मिलकर अतिरिक्त पैसों को कमीशन और अन्य खर्च में बांट लिया है। इसमें लिफ्ट भी लगना है। यह है हाउसिंग बोर्ड का अनोखा फ्लैट, यह है हाउसिंग बोर्ड का अनोखा फ्लैट। हम बार बार अनोखा इसलिए बता दे रहे हैं कि पहली बार झारखंड में किसी सरकारी भवन के ऊपर किसी ठेकेदार ने अपना निर्माण कर लिया है। किसी सरकारी भवन के ऊपर जिस सरकारी भवन को बनाने वाला ठेकेदार है वह खुद उस भवन के ऊपर एक फ्लोर अपना बना लेता है। जैसे सचिवालय बनाया 7 फ्लोर का, ठेकेदार ने एक फ्लोर ऊपर बना लिया 8वां, अतिरिक्त अवैध गैर कानूनी तरीके से। इसे देखने वाला कोई नहीं है हाउसिंग बोर्ड में, जबकि कई कई प्रभार में AE संजीव कुमार है खुद। इस काम को देने वाले संजीव कुमार, ठेकेदार का चयन करने वाले संजीव कुमार, ठेकेदार को भुगतान करने वाले संजीव कुमार, काम की गुणवत्ता देखने वाले संजीव कुमार, काम कराने वाले संजीव कुमार, पूरा यह सिंडिकेट का ही एक प्रकार से भवन है। तो सिंडिकेट का खेल देखिए, इससे बड़ा खेल आपने देखा होगा, इससे अनोखा आपने आवास देखा होगा कि भाई 3 तल्ला जो है वो तो सरकारी है और 3 तल्ले के ऊपर वाला जो तल्ला बना वो ठेकेदार साहब का हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आते जाते तमाम प्रशासन इसको देखता है, ऐसी बात थोड़ी है कि किसी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज तक किसी ने आवाज उठाने की जहमत नहीं उठाई, तो इससे बड़ा और खेला क्या होगा। अब हम आपको रांची से लिए चलते हैं सरायकेला। आवास बोर्ड का यह घोटाला रांची से लेकर के सरायकेला तक भी फैला हुआ है। हमने जब इन घोटालेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोला तो एक महिला ने मुझसे संपर्क किया। इस महिला का आरोप था कि एक दान की जमीन को आवास बोर्ड के बड़ा बाबू आवास बोर्ड की जमीन बताते हैं और इसका अलॉटमेंट बड़ा बाबू की पत्नी के नाम से हो गया है। इस मामले में आवास बोर्ड की रफ्तार भी देख लीजिए कि एक ही दिन में नोटिस भी मिल जाता है इस परिवार को कि अगले दिन इस गरीब के घर को ढहा दिया जाएगा, क्योंकि यह अतिक्रमण है। पर जैसे ही बात घोटालेबाजों की आती है इसी आवास बोर्ड को लकवा मार जाता है, यह सुस्त पड़ जाता है। खैर, इन गरीबों के मामले को लेकर हमारा संवाददाता आवास बोर्ड पहुंचा तो किसी ने हमसे सीधे मुंह बात तक करना उचित नहीं समझा, उल्टा ताला लगा दिया गया। और बड़ा बाबू तो खैर हमारे संवाददाता का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे। एक बार फोन रिसीव किया, कहा कि आप कार्यपालक अभियंता से बात कीजिए, और उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। अब हमारे पास आपको बहुत ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, बहुत ज्यादा कुछ सुनाने को था नहीं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब आवास बोर्ड हमारा संवाददाता पहुंचा था तो उसने क्या देखा है, दिखाइए ये रिपोर्ट। के बड़े बाबू से हमारी बात हुई, उन्होंने मेरा फोन रिसीव तो कर लिया, जो जवाब था उनका चौंकाने वाला जवाब था। उन्होंने मुझसे साफ तौर पे कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि न्यूज 11 के मैं किसी भी अधिकारी से बात करना नहीं चाहता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको जो बात करना है स्कूटी इंजीनियर से बात कर लीजिए। कार्यपालक अभियंता से मैंने फोन लगाया, कई बार रिंग होने के बाद उन्होंने रिंग तो नहीं उठाया, उल्टे मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप नंबर पे कॉल किया, व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही मैंने उनको कॉल भी किया और मैसेज किया कि सर प्लीज मेरे नंबर को रिसीव किया जाए, कुछ ऑफिशियली बात करनी है, उन्होंने मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर को कार्यपालक अभियंता ब्लॉक कर दिया, आप दंग रह जाएंगे उनकी इस हरकत से। क्या कोई पत्रकार किसी अधिकारी से बात करने जाएगा या फिर बात करना चाहेगा तो सरकारी नंबर भी साहब ब्लॉक कर देंगे किसी पत्रकार का, ये क्या कहाँ तक लाजमी है। आप खुद सोच सकते हैं कि इन अफसरों की मनोबल कितने तेज हैं। और खास करके अगर बात की जाए आवास बोर्ड की, तो आवास बोर्ड एक तरह से कही जाए तो अपनी मोनोपोली चला रहा है। आवास बोर्ड में किसी भी व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ के अधिकारी ही सही बात है एक सिंडिकेट बना के रखे और सिंडिकेट के तहत ही काम कर रहे हैं। उन्हें किसी भी नियम और कानून से कोई मतलब नहीं है, ताक पर रखते हैं नियम और कानून को। जो उनके मन में आता है बस वही नियम शुरू हो जाता है और वही नियम लागू हो जाता है। फिलहाल हमने जो यहाँ दिखाया आप देख कर समझ गए होंगे कि यहाँ के अधिकारियों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं और कितने तेज हैं, जो किसी को भी कुछ नहीं समझते। आवास बोर्ड के
ऑफिस में जाने के लिए एक रास्ता और भी है जो पीछे से घुसती है, लेकिन अभी हम लोग को देखने से ही यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया कि पता नहीं क्या है लोग पूछेगा। देखिए मैं यहाँ एक देखिए इस साइड से भी दरवाज़ा को बंद कर लिया गया है। खैर ये अभी ये बात कहे हैं कि नहीं समय पूरा हो गया इसलिए हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। हम मानते हैं कि समय पूरा हो गया है, दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पे आते हैं यहाँ के अधिकारी बात करना लाजमी नहीं समझते हैं। आज हमने इस मामले को लेकर के कोई मेहमान नहीं बुलाए, क्योंकि आज हमारे मेहमान ऐसे लोग हैं जिनको वाजिब तौर पर आवास बोर्ड की तरफ से घर मिलना चाहिए था। सरायकेला से हमारे साथ वो गरीब परिवार जुड़ा हुआ है हमारे संवाददाता के साथ, जिस परिवार को परेशान किया जा रहा है आवास बोर्ड के द्वारा, और हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर अमित सिंह के साथ एक ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें लगता है कि आवास बोर्ड की लॉटरी अगर ढंग से होती तो बाकायदा आवास बोर्ड में तो इनको इनका हक मिलना चाहिए था, इनके हक की हकमारी हुई है। सबसे पहले मैं अमित सिंह के पास आऊंगा, हमारे एसोसिएट एडिटर के पास। संजीव कुमार का खेल अमित जी अगर देखें तो मुझे लगता है कि बढ़िया से बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जो है ना वो भी फीकी पड़ जाएगी। फीकी इसलिए पड़ जाएगी कि भाई बड़े से बड़े विलन हमने देखे, बड़े से बड़ा विलन देखा लेकिन अंत में उसको हारते हुए देखा फिल्मों में, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म चल रही है, आज छठा अध्याय चला रहे हैं पर विलन आराम से लुंगी गंजी में अभी अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके और टीवी के सामने इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का जिसका नाम डंके की चोट पर है देख रहा होगा और मुस्कुरा रहा होगा कि ये बोल तो रहे हैं पर ये मेरा बिगाड़ क्या पाएंगे। अमित जी सही बात। देखिए भारती जी, जो संजीव कुमार है वो सरकारी संजीवनी पीकर लगता है कि बोर्ड में आए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, मनमानी करेंगे करते रहेंगे। हम आज जो फ्लैट सरकारी 3+G+3 दिखा रहे थे वो एक बानगी है, एक उदाहरण है लूट का। झारखंड में ऐसा भी होता है कि एक सिंडिकेट सरकारी भवन के ऊपर अपना एक फ्लोर तैयार कर लेता है, उस फ्लोर की जिम्मेवारी, उस फ्लोर को बनाने में कितना खर्च आया, उसका खर्च कौन वहन किया, उस फ्लैट का क्या होगा, अब तो ये आवास बोर्ड बताएगा। भारती जी अभी हम डिबडी के दाऊद नगर में हैं, हमारे साथ अंशुल डांग, उनकी पत्नी निर्मला डांग, उनके संबंधी सीमा डांग, इनके पति जॉर्ज डांग और सारे परिवार हैं यहां पर। अजूबा कहानी है इनके साथ कि बोर्ड ने इनके साथ क्या किया, इनके पिता का देहांत होने के बाद इनके घर को लूट लिया, आज इनका मामला न्यायालय में है। हम एक बार इनके ही मुंह से सुनना चाहेंगे कि इनके साथ बोर्ड ने क्या किया, फिर हम बाद में विस्तृत तरीके से बताएंगे कि इनके साथ कैसे कैसे छल हुआ, कैसे फर्जी कागजात के आधार पर इनका आवास लूटा गया। हम अभी निर्मला डांग से बात करेंगे, अंशुल डांग की पत्नी जी से, कि वो इस संबंध में क्या बोलना चाहती है। निर्मला जी। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग आवास बोर्ड में जाया करते थे किसी भी चीज को लेकर, वहाँ के लोग रिस्पांस नहीं करते थे और किसी भी चीज को लेकर उनको पैसा चाहिए, पहले हर चीज में पैसा। तभी देखिए भारती जी, हर चीज में पैसा चाहिए, एक मतलब ये ताजा उदाहरण जी। हम लोगों ने सिर्फ वो पेपर को, मतलब जो हाउसिंग बोर्ड में हमारा पेपर था, सिर्फ उसको देखने के लिए हमने 10,000 रुपीज पे किया वहाँ पे। किसको पे किया 10,000 जी? वहाँ के स्टाफ को। क्या नाम था उनका? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 10,000 पे करने के बाद वो हमें सर्टिफिकेट अलॉट किया गया था। तब हमें समझ में आया सारा माजरा कि ये सर्टिफिकेट मतलब हमें मिला था, जाके पता चला। हुआ क्या वो बताएं? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पापा के जो मेरे ससुर जी थे उनके डेथ के बाद जो वहाँ पे रह रहे थे, जो हमारे घर पे जो हाउसिंग बोर्ड में जो अलॉट हुआ था हमें घर, तो वहाँ पे जो रह रहे थे अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। क्या नाम था उनका? बिंदेश्वरी प्रसाद उनका नाम था। बिंदेश्वरी प्रसाद जी वो नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर थे। अभी है वो? नहीं, रिटायर कर गए। हाँ, तो क्वार्टर नंबर था बोर्ड में जो आपके पिताजी के नाम से, ससुर जी के नाम से अलॉट हुआ था? H37 था। H37 जी। लोकेशन कहाँ पर है घर का? लोकेशन अरगोड़ा चौक से जस्ट उसके बगल में ही है, अरगोड़ा चौक के सामने जो मैदान है बस उसी के बगल में ही है। अच्छा, जी। कितना जमीन है वहाँ पर? जमीन लगभग 5 कट्ठा होगा, 5 से 8 कट्ठा। क्या हुआ, कब अलॉट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड के अधिकारियों ने क्या किया?
ऑल आउट होने के बाद पापा जैसे एक्सपायर किए हैं, उसके बाद उनको डेथ तो जिसका डेथ हो जाता है उसको, उसका का बेटा हो या फिर कोई हो तो उनके नाम से ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद फिर जो ये सब चीज लूट लूट का काम होगा, तो जैसे वो आए हमारे पास वो लोग कि मतलब ट्रांसफर करना है आपके नाम से, तो इनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद से हमें ये सारा माजरा पता चला कि पापा वो चीज़ में इन्वॉल्व थे, किस तरह कैसे कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नया था। हाउसिंग बोर्ड के बारे में हम पहली बार सुन रहे थे इन सारी चीज़ों को, तो आफ्टर डेथ हमें इन सारी चीज़ों को पहले समझना पड़ा। तो हाउसिंग बोर्ड में तो पहले हम जाएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि सर्टिफिकेट देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि पोजीशन क्या है वहाँ का, तो वो तो बिना पैसे का बात नहीं करते, तो इसलिए हमें डिले चल रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इस कारण हम हमेशा मतलब पैसे के कारण हमें दबा दिया जाता था, कुचल दिया जाता था उस वक्त। कितने पैसे की डिमांड की गई थी आपसे उस समय? तो जैसे हमें सर्टिफिकेट निकालने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट थे उस समय 10,000 अमित जी, उसके बाद भी जैसे हम गए हमारा जो हमने अमित जी 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 भारती जी देखिए एक 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 गड़बड़ी से आपने मुखातिब करा दिया दर्शकों को, अब हम दूसरी गड़बड़ी से मुखातिब कराते हैं दर्शकों को। एक परिवार का दर्द आपने सुना है, आप उनके साथ बने रहे अभी आप उनके साथ बने रहे अमित जी। एक बार मैं दर्शकों को सरायकेला ले चलूंगा, एक बार सरायकेला ले चल रहा हूँ, चूंकि वहां पर हमारे साथ सुनील बने हुए हैं अभी। सुनील, आपके साथ भी एक परिवार जुड़ा हुआ है, आप भी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि इस परिवार के सामने अब अस्तित्व का संकट है। आवास बोर्ड के अधिकारी बाकायदा इनका आशियाना छीन लेना चाहते हैं, उनका क्या कहना है जल्दी से एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ भी एक संजीव सिंह की ही मामला है और सही में सरकारी पदाधिकारी को सरकारी संजीवनी सही पिला दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये परिवार 2004 में आवेदन करता है अपने आवास के लिए कि आवास बोर्डों की हमें आवंटित कर दीजिए भूमि को, लेकिन 2000 में आवास बोर्ड के ही बड़ा बाबू अपनी पत्नी के नाम से जमीन को आवंटित करते हैं। और एक बड़ी बात सामने आई है, यहाँ के एक बिल्डर है छवि महतो, जो एक प्रदीप, उनका सर्टिफिकेट नेम जो है वो प्रदीप कुमार महतो है और आयसू से ताल्लुकात रखते हैं। आप देख सकते हैं जो सामने बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, ये उन्हीं की बिल्डिंगें हैं, लेकिन ये इन गरीबों को हक मार के ये सीधे अप्लाई किए हैं आपके आवास बोर्ड में कि हम रहने को घर नहीं है, हम बेघर हैं और मैं भाड़े के मकान में रहता हूं, एक मुझे अलॉट कर दिया जाए। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक गरीब खड़े हुए हैं जो आज त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं कि हमें आवास चाहिए और हम अपने बाल बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसे जो अरबों खरबों के मालिक है वैसे लोगों को हो जाता है, और किस बात की लॉटरी, ये तो समझ में नहीं आता कि लॉटरी किस बात की होती है, क्योंकि आवास इस जमीन के बगल सटे ही उनका बिल्डिंग बना हुआ है और फिर उन्हीं का आवास अलॉट हो जाती है, जमीन अलॉट हो जाती है। ऐसे में भी हम बात करेंगे इसी गरीब परिवार से, क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं इनके मुंह से। क्या दिक्कत है आप लोग को? बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, घरे दिक्कत, कत कष्ट, हमार बेटा जमन जमीन बात है, कत कष्ट होते हमार दुनिया तक घर लुट छे, उठिन किने लीली उर बारी है, उर बारी उठा लुट लियो, इठिन जदि बस करिन छे तो इठिन लुट छे। प्रदीप मातो, प्रदीप मातो, जहाँ जा रहा हुआ ही वो नोटिस भेज रहा है, बार बार नोटिस दे रहा है, धमकी दे रहा है, यहाँ से घर से खाली करो, खाली नहीं करेगा तो फेंका जाएगा सबको। आवास बोर्ड में आप अप्लाई किए हैं जी? अप्लाई किए हैं, वो ये मैं रांची में जाको हम किए हैं, बोला साहब आप लेने से किएगा, तो हम बोला हाँ सर हम भीख मांगेंगे लेकिन जमीन लेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, किसी को आप अलबन कर दीजिएगा तो, लेकिन हम लेने को लिए तैयार है। ये गरीबों का दर्द है, देख सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कहाँ मानने है, मानने वाले हैं आवास बोर्ड के जो बड़े बड़े बाबू है। आइए और सुनाते हैं जी, आपका नाम क्या है? लक्की देवी। सर बोलिए, अभी हम 2004 में हाउसिंग बोर्ड को आवेदन दिए हैं सर, आप जब भी ये जमीन किसी को भी अलॉटमेंट करे तो हम आवेदन देते हैं सर कि ये जमीन हमको अलॉटमेंट किया जाए। जब मैंने 2004 में आवेदन दिया, मेरा आवेदन को कैंसिल करके हाउसिंग विभाग के बड़े बाबू अपने नौकरी का नाजायज फायदा उठा के वो अपनी बीबी के नाम पे ये अलॉटमेंट कराया, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हाउसिंग विभाग का जमीन किसके लिए होता है? गरीब के लिए होता है, गरीब मतलब हम लोग के जैसा, रोज कमानी खाना, रोज कुआं से पानी निकालना, रोज पीना है। बिल्कुल तो सुनील, ये बहुत बड़ा सवाल है सुनील, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है सुनील। मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा, मैं अमित जी के पास भी वापस आऊंगा, लेकिन इस बात का जवाब
आवास बोर्ड को देना चाहिए, संजीव कुमार जैसे अभियंताओं को, अधिकारियों को देना चाहिए, ब्रिजमोहन जी को देना चाहिए कि आवास बोर्ड किसके लिए है, आवास बोर्ड की जमीन किसके लिए है, क्या आवास बोर्ड का ठेका सिर्फ धर्मेंद्र और जगत जैसे ठेकेदारों के लिए है या फिर आम लोगों को भी यहां पर काम मिलना चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इस सिस्टम को देना पड़ेगा कि क्या इस आवास बोर्ड को सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जाएगा या फिर यहां पर आम लोगों के लिए भी कुछ होगा। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा, डंके की चोट पर हम दिखाएंगे इन गरीबों की पुकार। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। अब चूंकि आपको हमने सब कुछ दिखा दिया है, एक अनोखा घर दिखा दिया, खेल दिखा दिया, अब हम आपको एक अनोखा ऑफिस दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे अब ये ऑफिस अनोखा क्यों है, क्योंकि इस ऑफिस को बनना था आवास बोर्ड का मुख्यालय, पर हुजूर संजीव कुमार की मेहरबानी से यह सिंडिकेट का ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। हर नियम हर कानून यहां पर टूट गया, धज्जियां उड़ गई, तोड़ तोड़ कर टेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस भवन के पूरा होने से पहले ही मरम्मत के 40 लाख रुपए निकाल लिए गए। खिलाड़ी कौन? कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, एमडी ब्रिजमोहन साहब। देखिए आप इस ऑफिस से, अनोखे ऑफिस से हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के नवनिर्मित मुख्यालय भवन के सामने आइए, मैं अपने कैमरामैन कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं आपको पूरी कहानी इस बोर्ड की बताता हूं। अंदर से ताला लगा हुआ है, हमने कल रात में यहां पर आया तो ताला लगा दिया गया। अभी काम करने वाले आए हैं, साइकिलें दिख रही हैं, मजदूर लगे हुए हैं, मगर अंदर से ताला लगा दिया गया है कि कोई हम लोग अंदर ना जा पाए। यहीं से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी भवन का निर्माण कार्य चल ही रहा है, भवन के फर्स्ट फ्लोर का काम अभी चल रहा है, किसी फ्लोर को हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन इसके फर्स्ट फ्लोर के मरम्मती के नाम पे 40 लाख रुपए सिंडिकेट ने निकाल लिए। 40 लाख रुपए नगर विकास विभाग की जांच रिपोर्ट में इस भुगतान को अवैध और अनियमित बताया गया है। यह आवास बोर्ड का मुख्यालय नहीं, सिंडिकेट का मुख्यालय बन रहा है। देखिए जो काम करने वाले मजदूर है उनका साइकिल लगा हुआ इधर, मैं आपको बता दूं अंदर से ताला लगाया गया है। ये सरकारी भवन का निर्माण हो रहा है लेकिन अंदर से चारों तरफ कचरे और बांस लगा हुआ है, फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। और इसके ग्राउंड फ्लोर में मैं दिखा दे रहा हूं, इसके ग्राउंड फ्लोर में अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है ये बिल्डिंग, और इसके ग्राउंड फ्लोर के मरम्मती के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर सिंडिकेट के ठेकेदार कृपा शंकर और सिंडिकेट के मास्टरमाइंड संजीव कुमार ने 40 लाख रुपए निकाल के बंदर बांट कर लिए। ये 40 लाख रुपए भुगतान का न कोई प्रशासनिक आदेश है, न बोर्ड का आदेश है। अभी हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इसको खोले कोई ताला, लेकिन हमें देखकर अंदर के भी, हेलो भाई साहब, गार्ड साहब, गार्ड साहब, अरे मिस्त्री जी, हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये आवास बोर्ड का मुख्यालय नहीं, सिंडिकेट का मुख्यालय बन रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं सिंडिकेट का मुख्यालय, इसके टेंडर में निमित्ता, निर्माण में निमित्ता, भुगतान में निमित्ता, सिर्फ एक ठेकेदार, टेबल टेंडर होता है, टेबल टेंडर में दो लोग एक साथ आते हैं, 5% बिलो में कृपा शंकर के जो प्रतिद्वंदी है 5% ज़्यादा डालते हैं रेट, और कृपा शंकर 5% कम। चलिए हम आपको बता दें कि अब थोड़े ही दिनों में आवास कंप्लीट हो जाएगा, अब आगे जांच होगी तो पता चलेगा कि इसमें और भी क्या अनियमितताएं हैं। मैं अमित सिंह, कैमरामैन राजा के साथ, न्यूज 11 से। तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएटेड एडिटर, और हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं सरायकेला से। सबसे पहले मैं रांची का रुख करूंगा, अमित सिंह साहब का रुख करूंगा। अमित सर, यह परिवार आपके साथ है, अभी हम सरायकेला में जब लोगों की बात सुन रहे थे, भारती जी, उस परिवार ने एक सवाल किया कि भाई आवास बोर्ड किसके लिए है,
इस परिवार के भी मन में जिनके साथ आप हैं बहुत सारे सवाल होंगे। अमित जी, आवास बोर्ड का गठन गरीबों को, आवास विहीन लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए हुआ था, लेकिन पिछले 8 साल में ये जो पंचलाइन है बोर्ड का वो बदल गया। अब यहाँ है कि संजीव कुमार जिस अमीर को चाहेंगे उसी को हाउसिंग बोर्ड में आवास मिलेगा। हम जिस परिवार के साथ बैठे हुए हैं, 1992 में स्वर्गीय जेम्स पीटर डांग के नाम से H37 आवास जो अरगोड़ा के नजदीक है वो उनके नाम से अलॉट हुआ था। 2012 में डांग साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके बेटे अंशुल डांग आवास बोर्ड जाते हैं। 2016 में बोर्ड द्वारा अंशुल डांग के नाम इनका आवास ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, लेकिन अचानक कागजी पचड़े के फेर में फंसाकर इन लोगों से आवास छीन लिया जाता है, आवास तक जाने ही नहीं दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि संजीव कुमार अपने परिचित नगर निगम के जेई बिंदेश्वरी प्रसाद के लिए सारी रचना रच रहे थे और इस गरीब परिवार को परेशान कर रहे थे। हम अंशुल डांग से इस संबंध में बात करेंगे कि आखिर पिता के गुजरने के बाद जिस आवास में इनको रहना चाहिए था आज उस आवास में बिंदेश्वरी प्रसाद ने कब्जा जमा लिया है, इसके पीछे कब्जा जमाने के पीछे अंशुल जी क्या योजना थी, उन लोगों ने कैसे ये काम किया? एक्चुअली पिताजी का हाउसिंग बोर्ड में कुछ इंस्टॉलमेंट उनको जमा करना था, तो उन्होंने उनके जान परिचित में थे तो उन्होंने बिंदेश्वरी को कहा कि आप यहाँ रहिए और आप इंस्टॉलमेंट जो बकाया उसको कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, उसके बाद आप घर छोड़ दीजिएगा। परंतु वे गए नहीं और हाउसिंग से साठ गांठ करके नकली दस्तावेज तैयार करके, क्या क्या नकली दस्तावेज में उन्होंने एक एफिडेविट बनाया जिसमें मेरा नकली हस्ताक्षर किया। भारती जी देखिए, इनका नकली हस्ताक्षर भी हो गया बोर्ड में और नकली पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने बनाया और ये दोनों हाउसिंग बोर्ड के साथ साठ गांठ मिल करके ये चीज करके आगे रजिस्ट्री के लिए घर के लिए इन्होंने अप्लाई भी कर दिया। तो अभी क्या पोजीशन है हमारा? अभी ये है कि रजिस्ट्री तो शायद हो गया है लेकिन मैंने इसके एवज में कोर्ट में FIR मतलब केस दायर किया है। तो अभी बोर्ड से कोई संपर्क है आपका? बोर्ड से कोई संपर्क तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि ये जो साठ गांठ है हाउसिंग बोर्ड से मिलके लोग ने अंदरूनी रूप से किया जो कि मुझे एकदम पता चलने ना दिया। पता ही नहीं, नहीं पता चला, कुछ भी पता नहीं चलने, कुछ पता नहीं, नहीं। सब पेपर दबा दिया जाता था, कोई पेपर देने के लिए तैयार नहीं, नहीं सब पेपर दबा दिया जाता था। हम लोग यहाँ से मिले थे आप लोग? संजीव कुमार जी से नहीं मिले, नहीं नहीं। भारती जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बोर्ड में भी अनोखे अनोखे काम हुए हैं। आज ये गरीब परिवार कैसे परेशान है, इनका जो H37 अरगोड़ा के पास है उस पर कब्जा हो चुका है, ये अभी अपने आवास में किसी तरह रह रहे हैं। यहाँ जब हम आए थे तो बारिश भी हो रही थी, उस समय यहाँ छुपने की भी जगह नहीं थी घर के बाहर। हाउसिंग बोर्ड में अनियमितता, गैर जिम्मेवाराना काम, ये सारी बातें नगर विकास विभाग के टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिख दिया है। मैं आपको एक सिंडिकेट के दो दिनों से कृपा शंकर के बारे में बता रहा था, प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन मैं आज आपको एक जगत नारायण राय, अपने आप में एक अनोखे कॉन्ट्रैक्टर है जी। उनका आज काम पुलिस निगम में चल रहा है, रांची विश्वविद्यालय में चल रहा है, हाउसिंग बोर्ड में चल रहा है, उनके कार्यों की भी जांच और आगे जो भी उनके कार्यों को लेकर जो अनियमितताएं हैं वो न्यूज 11 आपको दिखाएगा, लेकिन उनके बारे में आज आपको थोड़ा बताएगा। आप सुनिए, जगत नारायण राय बिहार से झारखंड आते, वे पहले टेलीकॉम में कुछ गड्ढा वड्ढा खोदने का काम करते हैं, अचानक उनका BAU में साठगांठ कुछ ठेकेदारों के साथ हो जाता है। तत्कालीन VC स्वर्गीय डॉक्टर नरसिंह नारायण सिंह के समय जगत नारायण की तूती बोलती है BAU में। लगभग 3 से 4 साल तक जगत नारायण जो BAU में चाहते थे वही BAU में होता था। लगभग 100 करोड़ रुपए का घपला चंद ठेकेदारों ने मिलकर BAU में किया है, वह भी लैंड लेबलिंग के नाम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से
राशि मिली बीएयू को लैंड डेवलपमेंट के नाम पर। इन्होंने 10-15% काम किया, उसके बाद सारे पैसे की निकासी हो गई। बीएयू में हड़कंप मच गया, अंदरूनी जांच हुई, कई गड़बड़ियां बाहर आई, लेकिन मामला वहीं दब गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके बाद ये बीएयू के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक कॉन्ट्रैक्ट के ठेका लेने के लिए पेपर जमा करते हैं, लेकिन वहां पर अचानक कई घपले सामने आ जाते हैं, सीबीआई जांच बैठ जाती है, वहां से भागते हैं, फिर बोर्ड में अपना काम शुरू करते हैं। और संजीव कुमार के साथ पहले मिलकर जगत नारायण राय ने ही लूटने का काम शुरू किया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद कृपा शंकर का पदार्पण बोर्ड में हुआ, वो भी पदार्पण इन्हीं के साथ हुआ, जगत नारायण के साथ। कृपा शंकर और जगत नारायण का बहुत पुराना संबंध है। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि कैसे बोर्ड दर्शकों के सामने दस्तावेज तैयार होते हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सामने अमित जी एनओसी दर्शकों के सामने बाकायदा एक एक एपिसोड के साथ सारी चीजें रखेंगे। एक बार फिर मैं सरायकेला का रुक कर रहा हूँ, एक बार फिर मैं चूंकि देखिए सारी चीजें रखेंगे। इस पूरे नेक्सस का जो काम है ये रांची से लेकर के सरायकेला तक कुल्लू पटांगा मौजा जिसके बारे में आप बता रहे थे, आज उस कुल्लू पटांगा मौजा की कई प्रॉपर्टीज में जहां पर काम चल रहा है हमारे सहयोगी सुनील गए थे। आवास बोर्ड भी जाकर के इन्होंने बातचीत करनी चाहिए कि भाई कुल्लू पटांगा मौजा में ये क्या काम चल रहा है बताए, पर पूरे आवास बोर्ड में कोई बताने वाला नहीं था। उल्टा देखिए गरीबों की हकमारी कैसे आवास बोर्ड करता है। मैं सुनील के पास आ रहा हूँ। सुनील, आज आप आवास बोर्ड के कार्यालय गए थे, क्या कुछ हुआ वहां पर? जी, आवास बोर्ड कार्यालय जाने से पहले एक छोटी सी मैं और आपको बात बता दूं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सही बात कही अपने कुल्लू पटांगा की, जो हम लोगों ने खबर दिखाई थी उस खबर में सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे वो हमारी खबर दिखाई गई वहां के दलाल के हक्के बक्के रह गए थे कि आखिर ये खबर दिखाई कैसे गई, किसी ने हिम्मत हिमाकत नहीं की लेकिन हमारे खिलाफ एक खबर दिखाई कैसे गई। काफी स्थानीय नेता वहां पे चढ़ बढ़ के चले आए, गरीबों को नहीं उजाड़ना चाहिए, गरीबों को बसाना चाहिए। जिस जगह पे अनाबाद बिहार सरकार की जमीन दलालों ने बेच दी थी और वो भी 10 लाख और 8 लाख रुपया इकट्ठे के हिसाब से, और वहां 20-20 लाख की बिल्डिंगें खड़ी थी, उस आवास बोर्ड को छोड़ के अगर हम कुल्लू पटांगा की बात करते हैं तो आवास बोर्ड की जमीन वहां भी है और आवास बोर्ड का घर वहां भी बन रहे हैं, लेकिन अगर सही से देखी जाए तो आवास बोर्ड के जो आवंटन है या आवंटन जिसके नाम से हुई है एक भी गरीब नहीं है। और दूसरी बात, आवास बोर्ड के ठेकेदार कम से कम वहां 50 हैं और जिसकी साहब से बनती है, और यहाँ भी एक संजीवनी साहब है, संजीव जी, यहाँ के जो कार्यपालक अभियंता है उनका भी नाम संजीव सिंह ही है। ये बात सही है कि सरकार की संजीवनी यही लोग पी के रखे हैं, और ये संजीव जी यहाँ इनका इतना धाक है और इतने अपने आप को यहाँ के मतलब नवाब समझते हैं कि ना तो पत्रकार और ना कोई कुछ, इनके आए कुछ नहीं, जिसका नंबर चाहे सरकारी नंबर है ब्लॉक कर दे, जिसका नंबर चाहे चालू कर दे, जिससे मन करे बात करेंगे, जिससे मन करे नहीं बात करेंगे। इनको तो साफ पता है कि हमारा क्या कर लेगा मीडिया इतना चिल्ला करके। लेकिन फिलहाल अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आवास बोर्ड का जो गठन, जैसे कि आप लोगों ने, हमारे एक अमित भाई ने भी कह रहे कि आवास बोर्ड का जो गठन हुआ था गरीबों के लिए हुआ था, क्या आपको ये दिख रहा है 30 साल से जो गरीब परिवार इस जगह पे रह रहा है और निवास कर रहा है, इससे नहीं मिलकर के जो कई बार आवेदन दिया है आवास बोर्ड की हमें जमीन आवंटित की जाए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो भी उसकी राशि होगी मैं हम दे देंगे, लेकिन ऐसे परिवार को आज जो परिवार रो रहा है कलप रहा है, क्या कहेंगे ऐसे परिवारों को? आप देख रहे हैं ऐसे परिवार को कि आज दर्द की ठोकरें खाने के लिए बेचैन है, परिवार का कोई सहारा नहीं है, कोई रहने का कोई इसके लिए रहनुमा नहीं है। कहाँ गए आखिर वो नेता जो कुल्लू पटांगा में थे, आज इस परिवार के लिए क्यों? वो अगर गरीब है तो हम अभी उनको छोड़ देगा, इतना जमीन छोड़ को हमारा घर का लूटने आ रहा, उसको अगर गरीब भाड़ा घर में है तो अभी हम छोड़ देंगे, जगह नहीं लेंगे, उनको बुलाइए और हम छोड़ देंगे घर। गरीबों का दर्द सुनिए, अगर कलेजा नहीं कांप गया तो फिर कहिएगा,
बोलिए सर, घर घर कपड़ा धोते हैं हम लोग, कपड़ा लाके आयरन करते हैं, तो क्या सरकार हम लोग को हटा देंगे? धोबी को धोबी है इसलिए हटा रहे हैं, या हाउसिंग विभाग का बड़ा अब जिसका नाम हरेंद्र भट्ट है वो हटाने का कोशिश कर रहे हैं? अपना बीबी का नाम पे अलॉटमेंट करा लिया हम, जब 2000 में आवेदन दिए हैं 2004 में, और 2011 में अपना बीबी का नाम पे अलॉटमेंट करवा लिया है। ये होता है नौकरी का फायदा, गरीब को भगाना, घर घर हम गंदगी साफ करते किसी का। आखिर क्यों जब ये परिवार पहले ही आवेदन कर चुका है हाउसिंग बोर्ड को कि ये जमीन हमारे नाम से आवंटित होनी चाहिए, सारी राशि हम चुकाने को तैयार हैं, उसके बाद 2012 में अन्यत्र किसी भी दूसरे के नाम पे आवंटित करने की क्या जरूरत पड़ी थी हाउसिंग बोर्ड को? लेकिन हाउसिंग बोर्ड आज भी नहीं छेद रहा है और ना ही हाउसिंग बोर्ड कोई फर्क पड़ता है। इन तस्वीरों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इन सरकारी बाबुओं के, अधिकारियों के सीने में दिल होता है, जिगर की जगह पर जिगर होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जो रूह है वो कांप रही है कि भाई अगर इस मौसम में इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, इनसे घर छीन लिया जाएगा, तो ये कहाँ रहेंगे? आवास बोर्ड आखिर किसके लिए? मैं सोच रहा हूँ कि उस परिवार के साथ, जिन परिवार के साथ अमित जी बैठे हुए हैं, कि पिछले 15 साल में 12 साल में इस परिवार ने कैसे एक एक लम्हा जिया होगा, जब उसे पता होगा कि वो अधिकार मेरा है, लेकिन इसके बावजूद उसको ये अधिकार नहीं मिल रहा है। कलेजा फटने को आता है कि आखिर किसके लिए ये सिस्टम, किसके लिए बैठा हुआ है? अगर हम इनको न्याय नहीं दिला सकते तो इस सिस्टम के रहने का फायदा क्या है? आखिर इस सिस्टम पर पहला अधिकार किसका है? अमित जी, आखिर इस सिस्टम पर पहला अधिकार इन्हीं लोगों का तो है। महात्मा गांधी ने जो अपना जंतर दिया था, अपने जंतर में वो कह के गए थे कि अगर आप कहीं पर भी ऐसा लगे कि आप यहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो समाज के आखिरी पैदान पर बैठे उस शख्स को उस जगह पर रखिए कि वो हो तो क्या करेगा। पर यहां पर क्या इन सरकारी बाबुओं के, क्या माननीय संजीव कुमार जी, क्या ब्रिजमोहन साहब, क्या जगतानंद साहब या फिर धर्मेंद्र साहब, इनके सीने में दिल नहीं है? अगर दिल है तो क्या वो धड़कता नहीं है? क्या वो पत्थर की तरह बिल्कुल एकदम निष्प्राण हो चुका है जो ऐसे ही लोगों की चीख पुकार करा इन तक पहुंच नहीं पाती? अमित, भारती जी, अधिकारियों के साथ यह सिंडिकेट, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिलकर सरकारी राशि कैसे लूटी जाती है, इनके पास बहुत ही योजनाएं हैं। हम आपको बता देंगे, काके का रुख करेंगे कल, कि कैसे जगत नारायण लैंड लेबलिंग से लेके उनकी प्रॉपर्टी क्या है, हम आपको सीरीज बाय सीरीज बताएंगे। आज हमारे साथ जो परिवार जुड़ा है, इनको हेमंत सरकार से बहुत उम्मीद है। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को आवेदन भी दिया है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि हेमंत सरकार हमें न्याय दिलाएगी। अंशुल जी, हाँ, हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारी हेमंत सरकार गरीबों की सरकार है और हमें पूरी आश्वासन है कि आप हमें जरूर मदद करेंगे आगे चलकर। आपने वहाँ आवेदन दिया है? जी, मैंने सीएम हाउस में आवेदन दिया है और मुझे उनकी तरफ से रिसीविंग भी मिला हुआ है। भारती जी, इन्होंने अपने जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ ये सीएमओ का दरवाजा खटखटा चुके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनको बहुत ही उम्मीद है कि इनको न्याय होगा, इनके साथ न्याय होगा, इनका H37 आवास भविष्य में इनका होगा। हम भी कामना करते हैं भगवान से कि इनके पास जो भी सच्चाई है उसके साथ इनके साथ न्याय हो। हाउसिंग बोर्ड के लोगों को यह सोचना चाहिए कि कैसे आम लोगों को ये लूट रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में जो सिंडिकेट काम कर रहा है, सरकार अगर इस पे जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले कुछ माह में हाउसिंग बोर्ड का कोष खाली हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, पांचों प्रमंडल में पिछले 8 साल में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठेके लिए गए, दिए गए, उसमें 60% काम कृपा शंकर, जगत नारायण राय और धर्मेंद्र ने लिया है, योजनाबद्ध तरीके से टेबल टेंडर कर। एक एक टेंडर में दो आदमी आते थे, एक डमी, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर। यह हमारे पास सारा दस्तावेज है, कौन आदमी कितना पर हलवा बना के छोड़ दिया। अमित जी, कौन आदमी कितना, असल में कुल मिला करके आवास बोर्ड के टेंडर्स को हलवा बना करके छोड़ दिया है। झारखंड को इन लुटेरों ने हलवा बना करके छोड़ दिया। मुझे कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। लुटेरा शब्द, मुझे लुटेरा शब्द प्रयोग करने से भी कोई एतराज नहीं है। झारखंड को हलवा बना करके छोड़ दिया है, लेकिन ये नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को चैन से न्यूज 11 भारत जीने नहीं देगा। भारती जी बोले। अमित भारती जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
नगर विकास की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि इन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, इन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री, सीएस, मुख्य सचिव, अपर वित्त सचिव जैसे पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा, उनके आदेशों की अवहेलना कर करोड़ों का भुगतान अपने चहेते ठेकेदार कृपा शंकर, जगत नारायण राय और धर्मेंद्र और भी जो दो चार ठेकेदार हैं उनको किया। इसकी अगर संजीव कुमार के ही सिर्फ कार्यकाल की जांच करा ली जाए 8 साल में तो दूध का दूध पानी का पानी हो। एक आखिरी बार मैं सरायकेला का रुख करूंगा। सुनील देखिए, 3.5 करोड़ जनता झारखंड की इस परिवार को सुन रही है, मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच रही है। ये परिवार अगर कोई फरियाद करना चाहता है तो उनकी फरियाद सुन ली जाए कि क्या कहना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री से, क्या फरियाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। सुनील जी, मुख्यमंत्री से परिवार कई बार फरियाद कर चुका है और आज भी ये फरियाद करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं इस जमीन के बगल से मैं ही जुड़ी एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पीड़ित परिवार का घर है, टूटा फूटा जो झुपड़ी झोपड़ी है, पीड़ित परिवार का घर है जो आप सामने देख रहे हैं, और बगल में ही आप देख रहे हैं कि G+5 बिल्डिंग बने हुए हैं जी, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि G+5 बिल्डिंग है, आवास बोर्ड का ही है। ये जमीन आवास बोर्ड ने किसी प्राइवेट पर्सन के नाम से आवंटित किया और वो प्राइवेट पर्सन किसी बिल्डर को बेच देते हैं और बिल्डर साहब इस पर बनाते हैं G+5 बिल्डिंग। अब इसमें गरीब कहां रहेंगे, और एक एक फ्लैट 50 लाख में बिक्री है यहाँ पे। बिल्कुल, एक बार उनकी फरियाद भी ले लीजिए सुनील, चूंकि हमारे पास वक्त कम है। सबसे चूंकि हमारे पास वक्त कम है सुनील, एक बार उनकी फरियाद ले लीजिए। जी बिल्कुल, कहना चाहते हैं वो शायद। आप जो सीएम से कई बार फरियाद भी कर चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं गरीबों की सरकार हेमंत सरकार? क्या हेमंत सरकार से यही हाथ जोड़ के अनुरोध है सर, हम लोग पे कृपा कीजिए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, अगर आप नहीं न्याय कर पाते हैं तो सर एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े हो जाइए, हम सब परिवार 18 आदमी है, मट्टी फैल डाल के सर माचिस मार के आत्महत्या कर लेंगे, बस सरकार से यही कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील अमित जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील आपका, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इन परिवारों के आंखों के आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील आपका, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों परिवार को न्याय मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं, हम मानते हैं कि भले देरी हो रही है पर इन दोनों परिवारों को न्याय मिलेगा और सरकार की तरफ से ही न्याय मिलेगा। और कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया टुकी है, तो बस हम भी उसी उम्मीद का दामन तोड़े हुए हैं और घोटालेबाजों, याद रखना ये न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब तो ये डंके की चोट पर होगा, बाकायदा डंके की चोट पर। में इसके कई अध्याय और आगे भी आपके सामने आएंगे। सिस्टम को सिस्टम होने का अधिकार तभी है जब ऐसे लोगों को सिस्टम इंसाफ दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि इनको हम इंसाफ दिलवाएंगे, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा। फिर हम कुछ और मुद्दों को लेकर आएंगे, इसकी नई तस्वीरों को लेकर के आएंगे, आवास बोर्ड के घोटाले की और कड़ियां दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।